d'aquest campionat de criquet, que han aconseguit una cosa molt important, que és portar equips pakistanesos aquí a competir amb equips catalans, cosa que demostra que Catalunya ja va sent una potència de criquet important a tot el món, que es permet fer aquests campionats. I això ho hem d'agrair a tots els ciutadans d'origen pakistanès que han vingut a viure a Catalunya i que han fet créixer aquest esport al nostre país. Bé, doncs em sembla que haig de felicitar els organitzadors, la Federació Catalana de Criquet, que ha aconseguit un torneig més modern, més ràpid, més curt, i per tant això és un primer senyal que el criquet s'està introduint en la vida catalana. Felicito també no solament a la Federació Catalana de Criquet, sinó a els clubs de criquet de Catalunya. Hi ha més de 40 adaptant-se a la normativa internacional. Catalunya passarà a ser una de les potències de criquet d'Europa. Jo penso que Catalunya ha de ser una de les potències esportives de criquet. Avui ho estem fent amb dos equips internacionals, que han vingut al Pakistan, també el senyor, i desitjar justament que aquesta modalitat es vagi introduint i el criquet cada dia sigui més considerat com un esport més de Catalunya. Sí, això que et passa, no? Aquesta Super 6 Tournament que va de ara, Catalunya que hi ha una gran camí. És la nostra màxima autoritat, com a director de esport, director d'immigració, Antel Clau, amb altres elogios, 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 amb altres और हम इस तरह के टूर्नामेंट कराते रहेंगे और अगर हमें एक अच्छा ग्राउंड मिलता है जहाँ बाकायदा क्रिकेट एक्टिविटीज़ हो तो ये ग्राउंड आपको भरा हुआ नहीं बहुत अच्छी एफर्ट्स है मेरे ख्याल में क्रिकेट का फ़रोग एक मुस्बत सरगर्मी का फ़रोग है खेलें हमेशा ही एक मुस्बत अपॉर्चुनिटीज़ हैं नौजवानों के लिए और अगर पाकिस्तान से जाने पहचाने लोग यहाँ पर आएँगे यकीनन इससे क्रिकेट को फ़र्व मिलेगा और तमाशाओं को भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी मेरे ख्याल में इस दफ़ा जितने लोगों को आना चाहिए था वो इतने नहीं आ सके शायद ये मौसम का असर है या बहुत सारे लोगों तक इस बात की इतला नहीं पहुंच सकी कि पाकिस्तान के नामवार और कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो हुकूमत टीम पर असर आ चुके हैं वो बार्सिलोना में सुपर सिक्स खेलने के लिए आए हैं मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कतरुनिया में क्रिकेट ना सिर्फ ये फले फूलेगी बल्कि कतरुनिया की शिनाख्त बनेंगे कतरुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से और यही कतरुनिया गवर्नमेंट पिछले 10-12 साल से कोशिश कर रही है कि किसी न किसी ऐसी तफरी को ऐसी खेल को सपोर्ट किया जाए मौका दिया जाए जो कि इंटरनेशनल सतह पर कतरुनिया की शिनाख्त बने यकीनन पाकिस्तानी इस काम में अपनी भरपूर तवानाई सर्व कर रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कतरुनिया में क्रिकेट जो है वो मजीद फले फूलेगी और वो दिन दूर नहीं है जब कतरुनिया ICCI की रुकनीत लेगा और क्लब सतह पर हमारे लड़कों को स्पेन कतरुनिया से बाहर जाकर भी खेलने का मौका मिलेगा या दूसरी टीमें और क्लब्स यूरोप से भी और दुनिया भर से भी यहाँ खेलने के लिए आएंगे मैं इस सुपर सिक्स टूर्नामेंट के इनेकाद पर ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ बहुत ही खूबसूरत इवेंट उन्होंने यहाँ पर किया है और ये इस तरह की जो सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं इसकी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बहुत अशद ज़रूरत है इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से आए हुए इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा भी रहे हैं वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हैं और यकीनन ये शायकीन के लिए बहुत ही खुशी की बात है खुशाइन बात है वो इसको भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा आइंदा भी जो कतरान क्रिकेट फेडरेशन है वो इस तरह के इवेंट्स मनकद करती रहेगी बहुत शुक्रिया मैच देखने आया था और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं पाकिस्तान से उनसे मिला भी हूँ बहुत मज़ा आया यहाँ और